जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज बात करेंगे डिस्टेंस एमबीए के बारे में कि डिस्टेंस एमबीए से करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। डिस्टेंस से जो हम एमबीए करते हैं तो उसकी डिग्री क्या गवर्नमेंट जॉब में वैलिड होगी, डिस्टेंस एमबीए करें तो किस यूनिवर्सिटी से करें, कौन सी यूनिवर्सिटी सही रहेगी, इसको करने के लिए कितनी फीस लगती है। तो डिस्टेंस एमबीए को लेकर आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं डिस्टेंस एमबीए के बारे में तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करते हैं कि डिस्टेंस से एमबीए जो हम करते हैं तो उसकी डिग्री क्या गवर्नमेंट जॉब में वैलिड होगी, पहला क्वेश्चन। तो साथियों, कोई भी आप कोर्स करें डिस्टेंस से तो उसके लिए यूनिवर्सिटी के पास दो अप्रूवल होना अनिवार्य है। सबसे पहला अप्रूवल यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूव्ड होनी चाहिए, जो पहला अप्रूवल है। दूसरा अप्रूवल जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यदि आप डिस्टेंस से कोई भी कोर्स करते हैं तो उस यूनिवर्सिटी के पास में डीईबी का अप्रूवल होना अनिवार्य है। यूजीसी ने एक बॉडी बनाई हुई है अपनी, डीईबी, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, उसके पास में डीईबी का अप्रूवल होना अनिवार्य है। साथ के साथ में आपको ये जरूर चेक करना है कि जो हर साल डीईबी जो कोर्स की लिस्ट है यूनिवर्सिटी को देती है, ऐसा नहीं है कि हर साल सेम कोर्सेज यूनिवर्सिटी चला सकती है अपने डिस्टेंस के। डिस्टेंस अप्रूव्ड है यूनिवर्सिटी, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आपको यह भी चेक करना है कि उस यूनिवर्सिटी के पास में कौन कौन से कोर्सेज का अप्रूवल है। जिस कोर्स में आपने एडमिशन लिया है उस कोर्स का अप्रूवल उस यूनिवर्सिटी के पास है या फिर नहीं है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथ ही यदि यूनिवर्सिटी के पास में ये अप्रूवल है और आप वहां से अपना डिस्टेंस से एमबीए करते हैं या कोई और कोर्स करते हैं तो जो आपकी डिग्री है पूरी तरीके से मान्य होगी। गवर्नमेंट जॉब में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी, हर जगह आपकी जो डिग्री है पूरी तरीके से मान्य होगी, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि इसके लिए यूजीसी ने एक नोटिस भी जारी किया था कि आप अपनी पढ़ाई डिस्टेंस से करें, रेगुलर से करें, प्राइवेट मोड में करें, तो जो आपकी डिग्री है सभी की वैल्यू जो होगी समान होगी, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट कि डिस्टेंस से पढ़ाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए तो किसको करनी चाहिए। साथियों, यदि आप वर्किंग में हैं, आपने अपना बीबीए कंप्लीट कर लिया है, बीसीए कंप्लीट कर लिया है, कोई भी आपने और अदर कोर्स कंप्लीट कर लिया है और आप अभी जॉब में हैं, लेकिन आपको अपनी जॉब में अपना पोजीशन बढ़ानी है, आपको अपनी सैलरी भी बढ़वानी है, हाइक चाहिए आपको, आपको इंक्रीमेंट चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, डिग्री चाहिए होगी। क्या आपको एमबीए होना चाहिए, भाई आपने बीबीए कर लिया है, बीबीए के बाद में आपने जॉब ज्वाइन कर लिया है लेकिन आपको इंक्रीमेंट चाहिए, आपको अपनी पोजीशन आपको बढ़ानी है, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ क्या है कि भाई आपके पास में हायर डिग्री होना अनिवार्य है। तो आप जॉब के साथ में रेगुलर तो आप नहीं कर सकते हैं, तो आप डिस्टेंस से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर आप अपनी कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप अपनी जो डिग्री है उसको पूरा करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो डिस्टेंस से पढ़ाई उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है जो आप वर्किंग में हैं या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर जिनका अपना खुद का बिजनेस है, तो वो लोग अपना डिस्टेंस से पढ़ाई कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब किनको डिस्टेंस से पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। साथियों, यदि आपके पास समय है, आपके पास किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं है, आप जॉब में नहीं है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप अपना रेगुलर करें, चाहे वो एमबीए है या अपना कोई भी कोर्स है, वो आप उसको रेगुलर करें। रीजन ये है, जब आप उसको रेगुलर करेंगे तो रेगुलर में आपको पूरी सब सारी चीजें सिखाई जाएंगी, आपको आपके अंदर जो स्किल्स हैं, आपके अंदर जो भी आपको पूरा कोर्स कंटेंट आपको पढ़ाया जाएगा। क्योंकि डिस्टेंस में सिर्फ आप पेपर देने के लिए जाते हैं, वहां पर सिर्फ आपको एक डिग्री मिलेगी, वहां पर आपको नॉलेज नहीं मिलेगी। तो यदि आपको अपने अंदर नॉलेज गेन करना है, आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। रेगुलर आप अपना रेगुलर एमबीए कीजिए यदि आपके पास में समय है। अब आगे बात करते हैं कि किस यूनिवर्सिटी से आपको करना चाहिए, किससे नहीं करना चाहिए। तो साथियों, डिस्टेंस की काफी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, काफी सारी यूनिवर्सिटी से आप डिस्टेंस से एमबीए कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें से कुछ यूनिवर्सिटीज के नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं जिनसे आप कर सकते हैं। एक लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है सक्षम स्कॉलरशिप के नाम से, यदि आप वहां पर रजिस्ट्रेशन करते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वहां पर आपको पूरी तरीके से गाइड किया जाएगा कि आप किस यूनिवर्सिटी से आपके लिए सही रहेगा, कितनी आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो वहां पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, सक्षम स्कॉलरशिप के नाम से लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो साथियों, बात करते हैं जो सबसे पहली यूनिवर्सिटी है इग्नू, जो कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो आप इग्नू से आप अपना एमबीए कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। दूसरी यूनिवर्सिटी है अमेठी यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं, काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है। आप जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है वहां से आप कर सकते हैं, काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं, काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसके बाद में सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी है, वहां से आप कर सकते हैं, जो कि जयपुर में है। और भी काफी सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहां से आप अपना एमबीए कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साथियों, ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या स्पॉट बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।